करता है उसी का एक पोर्शन यहाँ के अलावा सिर्फ मैसर का एक डिफाइंड होना चाहिए आज सबको देखिए कोशिश हो रही है कि जो जूट के किसान हैं जो जूट उपजाते हैं उनको सही मूल्य मिले और जूट चूँकि इस क्षेत्र में पैदा होता है तो इस क्षेत्र सीमांचल क्षेत्र के सभी जिलों में जूट की खेती में क्या लागत आ रही है इसकी गणना करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई थी जिसमें आप देख सकते हैं सभी प्रखंडों के किसान किसान सलाहकार और कृषि विभाग से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी और जूट कॉरपोरेशन इंडिया के एडवाइज़र साहब इसमें शामिल हुए हैं इसमें वैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं ताकि जूट की खेती में जितनी लगने वाली लागत है उसकी गणना की जा सके ताकि उसके आधार पर सरकार जो संकल्प व्यक्त किया कि किसानों को उनकी उपज से 1.5 गुना ज़्यादा मिलना चाहिए या फिर उनकी आय दुगनी होनी चाहिए।